क्या प्लेन में हम ट्रैवल सिंड्रोम ये मैं नहीं बोल रही करण के वाक्य है बोल ही रहे हैं बच्चे हमारे हैं हम ट्रैवल सिंड्रोम व्लॉग्स नहीं सिर्फ ट्रैवल सिंड्रोम सौरव जोशी व्लॉग्स को अगले 25 आपको देखना है ढोंगी लोग कैसा दिखाई देते हैं देखना है? ये देखो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ये इस पोज में आ गई अंजलि जिंदगी में तूने कभी 8:30 बजे योगा नहीं किया आज क्या हो गया तुझे ओए आज मैं सात्विक हूँ सात्विक इसीलिए सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आपको हमारे सात्विक लुक से पता चल ही गया होगा कि आज ट्यूसडे है मतलब आज अंजलि का फास्ट है मतलब आज अगेन लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में मखाने हैं मखाने डे अंजलि आज तू मखाने खिला रही ना क्या हुआ क्यों मखाने नहीं खिला रही वो लास्ट ट्यूसडे के मखाने पड़े दिखाओ मैं दिखाओ वो तो मेरे लिए पड़े है ना तू अपने भरोसे है तो तू डेली के सोचे तो वो चबा दिए तो मैं क्या करूं मैं सिर्फ मखान में मूंगफली खा सकती हूं ना करण तो तेरे लिए मैं कल वो चिक्की लेके आया वो तो चिक्की तो ना सुबह शाम रात चिक्की खाती रहूंगी मीठा कितना होता है उसमें मेरा कोई भरोसा नहीं मुझे पता है तू वही खाएगी इसीलिए तूने उसने कल मेरे पास से 1/2 किलो चिक्की मंगवाई कौन बंदा व्रत रखने के बाद इतनी चिक्की खाता है चिकी तो अपने आप ही लेके आए थे मम्मी ने बोला चिकी लेके आया ना तो इतना बड़ा डब्बा अपने लिए भी लेके आया चिकी खाने के लिए घर मुझे पता था ना चिकी चोर तीन चिकी से तेरा तो कुछ होने वाला है नहीं और रात में आते इस बंदे ने पहले चिकी में मुंह मारा था वो तो बताना भूल गया पर वो तो मैं खा सकता ना मेरा चुगली करता है ढोंगी इंसान है ना ढोंगी तो तू है सारे लोग मेरी चुगली करते हैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है मैं कहां बुरा हूं मैं नहीं चाहती सुबह सुबह मैं किसी से गला दबा दूं अंजलि तू आज अपने सारे नए ड्रेस दिखाने वाली थी कुछ वो क्या हुआ फिर वो बनाना है वीडियो या नहीं बनाना है वो बनाएंगे ना दोपहर में बोपोरे और ये नए ड्रेस तो दिखाने वाली थी क्या है ये मैंने एक तरह का झोला पहना जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं बहुत ढीला है कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज दे दिया उसने मेरे को और नीचे छोटी सी कैप है देख लिया हो गया मुझे वहां से बुलाया कि बोलते हैं काम कर अंदर आ जा मेरा एक बार और नए ड्रेस का शॉट ले ले बताओ इतना कौन शौकीन होता है नए ड्रेस का ऐसे क्यों ऐसे चुड़ैल की तरह उस तरह मुंडी करके खड़ी है करण क्या कर रहा है क्या अपने कारनामों को थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे बताइए क्या किया आपने आज बताइए मैं हेल्प तो करूंगी नहीं तूने क्या किया पहले बता पानी कैसे निकला फ्रिज में से आज तूने निकाला पानी झट्टी बता कर ना नहीं बता तूने क्या किया बता मैंने कुछ नहीं ये देखो 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 अभी घिसता हुआ इस बंदे ने कल क्या बोलते हैं फ्रिज की सेटिंग चेंज कर दी पूरा का पूरा पानी पीछे से बाहर आ गया यहाँ से हाँ अभी देखो अभी काम कर रहा है मस्त कैसा लग रहा है अपने कारनामों के बाद मैंने तो छोड़ दिया मैंने बोला मैं तो करने नहीं वाली तूने किया ना काम अब तू कर आराम से नेक्स्ट टाइम मेरे पूछे बिना बिल्कुल फ्रिज छूना ही मत बताएंगे अपनी काली शक्ल दिखाना चाहेंगे काली करतूते अभी बज रहे हैं शाम के 7 फाइनली हमारा जो टीवी है वो शुरू हो चुका है आज रिपेयर करने आ गया लास्ट सैटरडे की बात थी वो बंदा नहीं आया संडे भी नहीं आया मंडे भी नहीं आया ट्यूसडे फाइनली रिपेयर हो गया और हम लोग देख रहे हैं माउंटेन ट्रैकर का व्लॉग और हमारा टीवी रिपेयर हो गया उसी की खुशी में आशु भी आया आज घर पे हाय हाँ वो बोलता है मैं भी बड़ा टीवी देखूंगा बड़ा टीवी लग रहा है ना 3D लग रहा है 3D लग रहा है ऊपर से आपने वो उसके ऊपर जो पन्नी लगी रहती है वो भी निकालती और अंजलि तुझे पता है सौरव जोशी व्लॉग्स ने फ्लाइंग बीस को आज ओवरटेक कर लिया सब्सक्राइबर्स के काउंट में जिसे तू बोल रही थी ये बंदा क्या व्लॉग्स बनाता है पता नहीं चल रहा सीरियसली मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है चुगली तो नहीं ले सकते ना आजकल चलता है क्या तेरे क्या वो है मैं देखती हूं सौरव जोशी व्लॉग ने एक ही व्लॉग देखा था मुझे तो ठीक लगा मतलब ओके है मतलब जैसे नॉर्मल होता है लाइफस्टाइल वैसे ही उसका भी पर तुझे क्या लगता है अंजलि हम सौरव जोशी व्लॉग्स को कितने टाइम में क्रॉस कर सकते हैं या नहीं
हाँ कर सकते ना 25 साल में 25 साल ऐसा बोला हम ट्रैवल सिंड्रोम सौरव जोशी व्लॉग्स को अगले 25 साल में कवर कर हम ये प्लेज ले लेते हैं फिर हमारा ब्लॉग में डालेंगे इस प्लेज को क्या प्लेज लेंगे हम ट्रैवल सिंड्रोम ये मैं नहीं बोल रही करण के वाक्य है बोल ही रहे हैं बच्चे हमारे हैं हम ट्रैवल सिंड्रोम व्लॉग्स नहीं सिर्फ ट्रैवल सिंड्रोम सौरव जोशी व्लॉग्स को अगले 25 साल में क्रॉस करेंगे ऐसा हां 25 साल 25 साल में वो 3 जेड्स की तरह डेट वहां पे मार्क डेट मार्क कर दे या फ्रिज पे लिख दो नहीं वो फ्रेंड्स की तरह नहीं नहीं वो बिग बैंग की तरह मार्क कर दे वो बंदा नहीं आता बस वो आई न्यू इट ऐसे क्यों देख रही है मुझे तो मैं चाहती हूँ हमारे ब्लॉग में मैं तेरे को पीटू तो फ्रिज के कारण हमें बता मेरे को फ्रिज से पानी पीछे क्यों निकल रहा है मैंने वो फ्रिज का जो सेक्शन है उसे मैंने विंटर पे कर दिया था तो जितनी भी अंदर बर्फ थी वो सारी पिघल गई सुबह एक बार तो मैंने झाड़ू पोछा मार के कर दिया और वापस पता नहीं आपको अंधेरे में नहीं दिखेगा शायद ये जो पूरा पीछे का सेक्शन है वो पूरा भर गया है नीचे तक पानी आ गया है तो वापस वो अनस्क्रू करके पूरा सेक्शन निकाल के पानी डालना पड़ेगा और वापस लगाना पड़ेगा जो सुबह किया था ऐसे ही वो करण ही करेगा और मैं नहीं करने वाली अब वो हाँ मैं ही कर दूंगा फॉर द डे तू क्या बना रही है भाई तवे मैं गुड़ एंड रोटी तेरा अच्छा है ना फास्ट में इतना मीठा खा रही तू कौन सा मीठा खाया मैंने सुबह पाइनएप्पल खाए थे फिर मैंने केले खाए फिर मैंने मूंगफली वाली दही खाई अब क्या बचा जीवन में नमक में डाल नहीं सकती इसमें अन्न में खा नहीं सकती क्या चाहिए सुख नहीं लूं थोड़े से भी जीवन में मर जाओ बिना खाए क्या करूं मैं मर जाऊं हां और सबसे अच्छा व्लॉगर पता है कौन है माउंटेन ट्रैकर लाइफ हो तो माउंटेन ट्रैकर जैसी बाकी हो ही नहीं वरना तुझे क्या लगता है हम भी ऐसे घूम पाएंगे माउंटेन ट्रैकर की तरह हां कोरोना पहले तो होते ही दफा हो तो कुछ हो जीवन में और कोरोना फिर भी घूम रहा है वो कोरोना वो छाती यार औरत क्या कर तू अपने प्लेट पीट दी जैसे वो जाएगा कोरोना रियल में जो उनका पर्सनालिटी है वो अगर व्लॉग में दिख जाए तो कितने लोग रुकते हैं वो मेरी रियल पर्सनालिटी दिख जाए तो मैं तो मेरे तो मेम्स बनेंगे फिर तेरे नाम का तो मंदिर बनेगा कोरोना देवी मंदिर अंजलि देवी कोरोना देवी हाँ कोरोना देवी मंदिर बोला तो देखा नहीं कोरोना देवी मंदिर अरे वो जो हिमाचल में बना दिया किसी ने वो फिर तोड़ दिया फिर मैं तो आईटी वाला मंदिर में जिसमें हेडफोन लगा के माता बना के बैठा हुआ है हेडफोन लगा के लैपटॉप लेके ऐसे बैठी हुई हूं लोग दान क्या कर रहे थे उधर जाके मास्क दान कर रहे माता को भी मास्क पहना रखा था ना दर्द है बहुत दिल में दर्द है मेरे आज तो फ्रस्ट्रेटेड आईटी वाले आज तो मेरे तो तू भी जाके आ जाएगी सब फेक लाइफस्टाइल दिखाते इतना सुख किसके जीवन में होता है किसके जीवन में बता इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं कहां निकालूं जाके बताओ और ब्लॉग में ही करनी पड़ती जबरदस्ती वो अलग है आप पॉजिटिविटी फैलानी है ब्लॉग में पॉजिटिविटी कहां से फैलानी है दिमाग खराब हो गया है ब्लॉग संभावना के ब्लॉग में भी झूठी होता है इतना सुख कोई सुख तूने करण को क्यों गालियां दी लेकिन नहीं करण को सामने गाली दे तू करण उठ के जा रहा था मुझे गालियां नहीं दी मेरे सामने गालियां दे रही थी फिर बैठा लिया मैंने उसको गालियां देते थे मतलब तेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया ऐसे उसने ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी गालियां दी मैं ऐसे ऐसे करके चला गया फिर वापस मुझे बिठा दी और 3-4 गालियां दी आथू गालियां दी आथू मुझे कंफर्टेबल लगा मैं बोला ठीक है चल फिर मैं वापस बैठ गया नाउ आई कैन बेयर इट और आज करने जो पानी गिरा है तो क्या पता वो ब्लॉगर सही में खुश हो जिंदगी से कोई खुश नहीं होता है तू नहीं खुश है तो तू अज्यूम करेगी सब खुश नहीं है बताता हूँ आज इसका ट्यूसडे है फास्ट है सुबह से इसने कुछ खाया नहीं नमक वाला और ऊपर से आज उसके 3 कॉल थे ठीक है उन सबका फ्रस्ट्रेशन मिक्स है फिर कल के ब्लॉग में आप वापस मिल रहे थे तब पता चलेगा कौन सी सॉल्यूशन है इसका स्नीकर्स खिलाओ इसको वो कौन सा आप पता चला वो स्नीकर्स वाली है तेरे लिए लेकिन हमने किस कौन सा ब्लॉग देखा जिसमें बोलते कौन से लोग हैं नहीं वो अभिषेक को बनना है अपने पापा को उठाती है पापा के ऊपर चढ़ गई पापा के ऊपर चढ़ छाती पीट रही है इतना प्यार मिलता है मेरी मतलब चप्पलें आती है ऐसी हरकतें करे मुझे लगता है इसका बाप ही काटी लगा क्या इशू है ये है ना कारण अब विंटर पे क्या आ गया उसको पता पूरा पानी पीछे निकल गया उसका ऐसे ऑप्शंस क्यों है उसमें खाली टेम्परेचर क्यों नहीं है मैंने बोला पता नहीं है तूने क्या एक तो टर्मिनेटर वाला फ्रिज लगा पीछे से हालत टर्मिनेटर वाला फ्रिज क्या होता है अरे उसके पूरे औजार बाहर निकले हुए हैं यार औजार बाहर निकले हुए मतलब क्या है देख पीछे से उसको जाके तू बंद कर दे वीडियो तो मूवी बनेगी पूरी मूवी बनेगी ये 3 आवर्स की क्या औजार निकले हुए यार
हाँ ये कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं दिख रहा है, कंप्रेसर तो दिखाई पड़ रहा है मेरे को। हाँ देख ये बाहर है, टंबूसा है, बार बार बाहर निकल जाता है। वो ट्रे भी बाहर ही है उसकी। देख पूरा पानी फिर से बाहर आया, तो मैंने किया है फिर भी उसमें। सो गाइस अभी हो गए रात के 9:30, डिनर हो चुका है हमारा, आशु भी अपने घर जा चुका है। सो नाउ वी आर वॉचिंग फ्लैश फाइनली ऑन अ बिग स्क्रीन। एज यू कैन सी हमारा टीवी आ गया है, तो बड़ी स्क्रीन पे हम लोग फ्लैश देखेंगे, एक दो एपिसोड देख के फिर हम सो जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक अभी वीडियो देखा है तो लाइक किए बगैर मत जाना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाए हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।